ये जो पिक्चर हम लोग देख रहे हो, मतलब आप लोग देख रहे हो, ये मेरा खुद का सेटअप का है। मैंने अपने इसीलिए दिखाया, देखिए ये कभी कभार महीने पे एक बार या दो महीने पे एक बार ऐसे होते रहते हैं। ऐसे नहीं है जो मैं कोई जादूगर हूँ, जो मेरे घर में कोई बार ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता है। झूठ बोल के तो फ़ायदा नहीं है, जो अगर बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। तो इसमें हम क्या प्रैक्टिकली जो पॉटी अपने देखा, थोड़ा सा मैंने हाथ लगा के थोड़ा सा उसको चेक किया, इंडाइजेशन प्रॉब्लम हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार्ड्स का पिक्चर भी आप वीडियो क्लिप एक बार देख लीजिए, छः बार्ड्स है, मतलब एक केज में छः बार्ड्स है, जो सामने बैठा हुआ है उसका ही हुआ है। तो इसमें मैं कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरीके से दूंगा वो थोड़ा सा जान लीजिए। पहले जो मैं कौन मतलब मैं पानी जब हम दूंगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा कितने मतलब छः बार्ड्स के लिए मेरा पानी का मात्रा, क्योंकि ये भी एक सीखने का चीज़ है। हम लोग भर भर के पानी देते हैं, बार्ड्स इतना पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप नहाने के लिए अलग से पानी दीजिए वो अलग बात है, लेकिन पीने के पानी कम कर दीजिए, जैसे ऐसे कंडीशन में हो या कोई भी कंडीशन में हो। मैं तीन मेडिसिन का सहारा लूँगा ऐसे ठीक करने के लिए। ऐसे देखिए मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ, हालाँकि इसको मैं थोड़ा सा अजवाइन का पानी मेरा बॉयल हो चुका है दे दूँगा, ठीक हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा नींबू और काला नमक डाल के, काला नमक नहीं भी डाल सकता हूँ, नींबू और अजवाइन का पानी। फिर भी मैं अगर होम्योपैथिक में जाना चाहता हूँ तो कौन सा मेडिसिन का सहारा लूँगा। नंबर वन आर्सेनिक एल्बम 30, ये देख लीजिए, क्योंकि पानी का मात्रा ज़्यादा है, पोटी कम है और ज़्यादा इंडाइजेशन या आहिस्ता आहिस्ता इसको अगर क्योर ना करे तो फुट मतलब एक सीरियस कंडीशन में जा सकते हैं। इस स्टेज में नहीं, मोटा मोटी मान लीजिए आज का दिन छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं दिया, ना नेचुरल दिया ना मेडिसिन दिया, कल से ही एक सीरियस कंडीशन में चला जाएगा, क्योंकि लीवर इस टाइम पर बहुत बिजी और बहुत ही वीक है। बिजी भी है वीक भी है, थोड़ा सा समझिए। बिजी इसलिए है, खाना तो खा रहे हैं, प्लेफुल भी है, थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ प्लेफुल भी है, खाना खा रहे हैं, तो खाना जब भी गिरेगा नीचे मतलब लीवर के पास जाएगा, वो थका हुआ है तो उसको काम करना पड़ेगा, इसलिए हमको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। आर्सेनिक एल्बम को जब हम देंगे इंडिविजुअल देंगे, इसके साथ कुछ भी हम डालेंगे नहीं, क्योंकि ये खुद एक अपने आप दूसरे मेडिसिन के साथ देने से आर्सेनिक जो इफ़ेक्ट करते हैं बाकी मेडिसिन का इफेक्ट को तोड़ देते हैं कभी कभी, डिपेंड ऑन कौन सा मेडिसिन आप इकट्ठा कर रहे हो। थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ। उसके बाद दो घंटा बाद, मैं दो घंटा ही रखूँगा वार्ड्स को, थोड़ा सा रुक जाइए, तो ये हाँ दो घंटा ही रखूँगा। रखने के बाद मैं और दो तीन मेडिसिन दूंगा इसमें होम्योपैथिक में, एक कालमेक मदर बा चिली, मेरे पास कालमेक है, उसके साथ कार्बोवेज 30। कार्बोवेज देखिए, ये कार्बोवेज 30 है। कार्बोवेज इसलिए दूंगा क्योंकि इस टाइम पे बॉडी में थोड़ा सा ऑक्सीजन का बढ़ाना से ही होना ज़रूरत है। कार्बोवेज डाइजेशन में भी मदद करते। आर्सेनिक इसलिए दे रही हूँ क्योंकि डिहाइड्रेशन का खतरा ना बने, क्योंकि पानी ज़्यादा निकल रहे हैं, ये तो एक बार नहीं कम होगा, ऐसे तो नहीं है, दो तीन बार कर सकते हैं, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ हमेशा पॉटी चेक कीजिए। केच फ्लोर ऐसे एक आपका सीखने का चीज़ है, केच फ्लोर ध्यान लगाइए, केच फ्लोर एक सीखने का चीज़ है। हमेशा बार्ड्स का पॉटी में हर बीमारी का लक्षण पता लग जाते हैं, क्योंकि पॉटी ऐसे चीज़ है, बड़े बड़े डॉक्टर इसीलिए कभी कुछ होता है तो स्टूल ब्लड ये सारे चीज़ एग्ज़ाम करने के लिए देते हैं, क्यों उसी से पता लगे कि जो खाना निकल रहे हैं उसके भीतर सब कुछ मतलब मिलाया गया है, जो पॉइजनिंग है या कुछ भी है, तभी उसी से चीज़ से एक डॉक्टर जो रिपोर्ट आते हैं उससे पता लगा सकते हैं जो क्या हो सकता है, क्या हुआ है, आने वाले स्टेज क्या हो सकता है। और एक मेडिसिन वो है कालीफॉस 6x, ये 12x है, 6x दूंगा, क्योंकि हम लोग इतना जानो एकदम मतलब मानो या ना मानो ये साइंस है, पेट में अगर कुछ होता है जैसे IBS का प्रॉब्लम, कोई डॉक्टर अगर ये वीडियो देख रहे हो आप तो जानते ही हो, IBS का प्रॉब्लम मतलब पैरासिंथेटिक जो हम लोगों का सिस्टम ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, जो फ्लाइट मोड फ्लाइट एंड सॉरी पैरासिंथेटिक जो हमारे मोड है हम लोगों का नर्वस सिस्टम है उसी में इफेक्ट होता है। तो ब्रेन को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कूल डाउन करने के रखने के लिए कालीफॉस का होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल हो सकता है तो कालीफॉस क्यों, क्योंकि कालीफॉस तो पेट के, क्योंकि हाँ कालीफॉस देखिएगा कोई भी पेट मेडिसिन जैसे BC28 में या आपका कोई भी देखिएगा पेट का, अच्छा जो होम्योपैथिक में बात कर रही हूँ अच्छे मेडिसिन में कालीफॉस का
प्रयोग होता है, क्योंकि काली पॉज भी मदद करते हैं पेट को, पेट रिलेटेड कोई भी समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ब्रेन से वो कंट्रोल होगा, इसीलिए ब्रेन का जो हेल्थ टॉनिक है उसको देना पड़ेगा। ये मैं लगभग ये चिकित्सा अगर मैं करूँगा तो ये बैक टू बैक 2 डेज दूंगा। 2 डेज के भीतर मेरे बार्ड्स का जो कंडीशन है अभी और जो एक्सपीरियंस है मेरा और मेरे बार्ड्स का जो मतलब हेल्थ है ठीक हो जाएगा, लेकिन देना सही से पड़ेगा। अभी चलिए मैं वीडियो को कट कर रही हूँ, मैं दे रही हूँ कितना ब्रून डाल रही हूँ और कितने ml पानी में, क्योंकि बहुत लोगों को झटका लगेगा। जो लोग बोलते रहते हैं ना, वो अगर वीडियो देखते हैं मेरा, जो 1 लीटर पानी में 4 बूंद, 500 ml पानी में 2 बूंद, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, जो कर रही हूँ साइंटिफिक वे में कर रही हूँ, क्योंकि बर्ड्स जितना 1-2 घंटे के भीतर लगभग 1 लाख बर्ड्स इसी वेदर और टेम्परेचर में 4 बार या मैक्स टू मैक्स 4 मिनिमम 3 टाइम्स पानी पी सकते हैं। तो उसी के देखते हुए ये पानी में ये डोज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए पानी में क्या करते हैं हम देखते हैं। चलिए देख लीजिए पानी कितना है, इतना था पॉट में 6 बार्ड्स के लिए पानी इतना है। 6 बार्ड्स को तो और प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन आर्सेनिक कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, अगर किसी के भीतर कुछ प्रॉब्लम है तो दूर हो जाएगा, मतलब प्रोटेक्ट हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो मैं देखिए इसमें 10 बूंद डाल रही हूँ, बस ये जो 10 बूंद गिरा 1 बार्ड्स के लिए इसी सिचुएशन पे सही है। मैं थोड़ा सा हाथ में ढक कर रखती हूँ, क्योंकि मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये तो वेपर मतलब अल्कोहल है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मैं तुरंत देना पड़ेगा इसको। तो ये देखिए काली फॉस भी बैठा हुआ है और इधर कार्बोवे, ये दोनों और कालमेक अभी लेकर नहीं बैठा, कालमेक को भी हम बाद में देंगे। कालमेक कार्बोवेज और काली फॉस का इसी बर्तन में मैं काली फॉस दूंगा 4 टैबलेट, मतलब सॉरी अगर 6x होगा तो 4 टैबलेट, 12x होगा तो मैं 2 टैबलेट दूंगा, ऐसे जो टैबलेट मिलता है काली फॉस का बैक टू बैक, मतलब ये आर्सेनिक दूंगा 2 बार दिन में। और ये जो कॉम्बिनेशन है काली फॉस के साथ, मतलब इसमें कालमेक भी घुसेगा, तो वो भी 2 टाइम्स देने से बैक टू बैक 2 डेज कीजिएगा, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोग के सामने शेयर किया, प्रैक्टिकल वीडियो शेयर किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो पॉटी होता है, हर पॉटी एबनॉर्मल पॉटी नहीं होता है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा एबनॉर्मल पॉटी है कौन सा नॉर्मल पॉटी है। तो चलिए हम देते हैं बार्ड्स को, फिर देखते क्या होता है। देखिए ये इतने सारे बार्ड्स है, 6 पेयर बार्ड्स है इधर तो बैठा हुआ है, ये जो बर्ड्स है इसका प्रॉब्लम हुआ है, सामने वाला बर्ड्स का। तो मैं पानी दे दूंगा, देने के बाद छोड़ दूंगा, अभी कुछ नहीं है केज में, बाद में पानी को मैं 2 घंटा के भीतर बदल दूंगा। ये मेरा मटकू है, मटकू मटकू ठीक है। तो ऐसे करके अभी देखिए पानी, अभी देख रहे हो कितना पानी में डाला ये 6 बर्ड्स के लिए, पानी में भी सीखना पड़ता है फ्रेंड्स, ये भी साइंटिफिक एक रीज़न है, बार्ड्स हम लोग जैसे पानी नहीं पीता है, रखता हूँ।